वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बनाने जा रहे हैं धोकर डालना जो कि है चना दाल कटलेट करी। तो ये बंगाल की रेसिपी है एंड ये बनाएगी मेरी सासू माँ। एंड इसको एक्चुअली चना दाल का जो पाउडर है उसमें बहुत सारे स्पाइसेस मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन आजकल मार्केट्स में ऐसे पैकेट्स अवेलेबल है। गिट्स का भी ये पैकेट अवेलेबल है जिसका नाम होगा धोका मिक्स, इसके पीछे दिया रहेगा आपको कैसे बनाना है इसके कटलेट्स को। एंड ये मेन ग्राम फ्लावर पल्स से बनता है, ग्राम पल्स से मतलब चना दाल से। एंड इसमें बहुत सारे मसाले मिक्स होते हैं, घर पे भी इसको बना सकते हैं, हम कभी बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल तो हम इस रेडी टू ईट मिक्स से ही बनाएंगे इसको। सबसे पहले इस पाउडर को हमें निकाल लेना है एक बोल में एंड गर्म पानी में इसमें ऐड करके इसको मिक्स करके रख देना है 20-30 मिनट्स के लिए। ये मिक्सचर फूल जाएगा, देन हम इसको कढ़ाई में चला के इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो ये मिक्सचर देखिए, इसमें हम पानी ऐड करेंगे एंड अच्छे से मिक्स करिए, कोई लंप ना रहे इसमें। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है गर्म पानी डाल के। तो अब देखिए इसका ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब आप इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रखें तो ढक के इसको रख दीजिए और ये फूल के देखिए रेडी हो गया है 20 मिनट्स बाद। तो अब इसको कढ़ाई में तेल डाल के नॉर्मली इसको स्टिर करते रहे मीडियम पे, तो ये तेल से छूटने लगेगा, ऐसे पूरा गोल हो जाएगा। एंड इसको आप एक ग्रीस्ड प्लेट में डाल के ये केक जैसा हमने इसको शेप देके, देन हम इसको कटलेट्स जैसा काट लेंगे। एंड काटने के बाद अब इसको नॉनस्टिक तवे में थोड़ा शैलो फ्राई करिए। एंड देखिए ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, मीडियम टू लो में हम इसको फ्राई करेंगे। एंड फ्राई करने के बाद हम इस कटलेट को अलग से रख देंगे एंड देन हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो कटलेट्स को अलग से रख दीजिए एंड इन कटलेट्स को जिस तेल में आपने फ्राई किया है वो तेल अगर बच जाए तो आप वो तेल ले लें, क्योंकि उसमें कटलेट्स का अरोमा रहेगा। तो तेल में हमने ऐड कर दिया है 2 रेड चिली, 2 तेजपान और ये है पंचफोरन। तो एक छोटा चम्मच पंचफोरन आपको ऐड करना है। पंचफोरन में 5 तरीके के होल स्पाइसेस रहते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच से बहुत कम मतलब 1 पिंच इसमें डालेंगे हम हींग। तो इसको वेज रेसिपी मानते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इसमें ना गार्लिक पड़ता है ना अनियन पड़ता है। तो यूजुअली हम इसको वेज जिस दिन खाते हैं उस दिन हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने में कटलेट्स को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने इसमें 1 आलू कट करके ऐड किया है। एंड फ्राई करते रहिए इसको, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करिए, इससे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया है एंड आलू थोड़ा सा फ्राई होने के बाद आप इसमें डालेंगे 1/2 कटा हुआ टमाटर अच्छे से चॉप करके। ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो ये खट्टा हो जाएगा। हम इसमें डाल दिए हैं 1/2 कटा हुआ टमाटर, अब इसको फ्राई करते रहिए मीडियम टू लो में। ये कुकिंग होगी इस मोमेंट पर हम इसमें 1/2 चम्मच थोड़ा सा हम इसमें चीनी डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें जिंजर पाउडर जिंजर पेस्ट डालेंगे। तो शुगर हमने इसलिए डाला है क्योंकि शुगर से कलर काफ़ी अच्छा आता है, बहुत ही कम डालना है शुगर। एंड अच्छे से ये जो जिंजर आपका अदरक का पेस्ट जो है वो पक जाना चाहिए, तो हम मसाले ऐड कर देंगे। तो ये है 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 स्पून जीरा पाउडर, 1.5 स्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून फुल 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। एंड इसके बाद आप थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से कुक करिए। मसालों का कुक होना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, इससे डाइजेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च के कारण इसका कलर कितना अच्छा आया है। इस टाइम पर आप इसमें 2 ग्रीन चिली डाल के 2 हरी मिर्च डाल के आप इसको ढक दीजिए 2-3 मिनट के लिए।
देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, बिस्किट पैन छोड़ दिया है। जो मेरे मसाले हैं वो कुक हो चुके हैं, इनको थोड़ी देर और हम चलाते रहेंगे। हम थोड़ा सा और हम इसको ढक के रखेंगे जिससे कि मसालों में अच्छे से ये आलू भी फ्राई हो। देखिए अब ये पूरा अच्छे से कुक्ड है। अब इसमें हम 2 कप पानी हमने ऑलमोस्ट ऐड किया है। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हमारे पास कटलेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड ये कटलेट्स पानी सोख लेते हैं। तो हमने इसको मीडियम आंच पे रख दिया था आलू को गलने के लिए। 12-15 मिनट्स इसको ढक के रखा था। आलू गल चुके हैं, इस टाइम पे कटलेट्स ऐड कर देंगे। 90% रेसिपी तो आपकी यहीं बन जाती है। तो इस टाइम पे आप नमक और चीनी ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो आपकी कटलेट्स में टेस्ट नहीं आएगा। ग्रेवी का नमक बिल्कुल ठीक होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। एंड देखिए आलू कितने अच्छे से गल गए। अब इसको हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट। एंड अब देखिए ये काफ़ी हद तक बन चुका है। तो अब इसको खोल के आप 5 मिनट पकाइए। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ा सा घी हमको ऐड करना पड़ेगा, जो कि इसका लास्ट स्टेप। तो ये है 1/2 चम्मच गरम मसाला एंड 2 चम्मच घी। ये रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म सर्व करिए एंड खाइए। एंड ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया।